उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई। इस हादसे में 116 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कई अन्य घायल भी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। मंगलवार को सिकंदरा राव के पुलराई गांव में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त होने के बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इसी दौरान लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। भीड़ में दम घुटने से 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पुलिस की नौकरी से बीआरएस और फिर भगवान से साक्षात्कार। स्वयंभू संत भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि बाबा खुद को लेकर कई दावे करते हैं। बकौल बाबा वो कासगंज के पटियाली गांव के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 साल की नौकरी के बाद बीआरएस ले लिया था। बीआरएस के बाद उन्हें भगवान से साक्षात्कार हुआ। इसके बाद उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया। मंगलवार को भी सिकंदरा राव के फुलरई गांव में स्वयंभू संत भोले बाबा का प्रवचन चल रहा था। कई राज्यों के हजारों लोग इसमें पहुंचे थे। सत्संग खत्म हुआ तो भीषण उमस और गर्मी से बेहाल लोग वहां से जाने लगे। निकलने की जल्दी में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे निकलने लगे। सूत्रों के मुताबिक हाथरस में आरोपी बाबा जो सत्संग कर रहा था उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। कौन है नारायण हरि? छोड़ी आईबी की नौकरी। जिनके सत्संग में यह हादसा हुआ उनका नाम नारायण हरि है और कहा जा रहा है कि उनका कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा जा चुका है। नारायण साकार हरि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुरी नगरी गांव के रहने वाले हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने आईबी यानी कि गुप्तचर विभाग की नौकरी कर ली और काफी समय तक नौकरी में रहे। फिर उनका ध्यान अध्यात्म में रम गया। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और अपने भक्तों के बीच नारायण साकार हरि के नाम से जाने जाने लगे। सफेद सूट और टाई जूते में नजर आते हैं बाबा साकार हरि। नारायण साकार हरि अन्य धार्मिक बाबाओं की तरफ गेरुआ वस्त्र या कोई अलग पोशाक में नजर नहीं आते हैं। नारायण हरि अक्सर सफेद सूट टाई और जूते पहने रहते हैं तो कई बार कुर्ता पैजामा भी पहने दिखाई देते हैं। साकार हरि खुद बताते हैं कि नौकरी के दिनों में उनका मन बार बार अध्यात्म की तरफ लगता था, इसीलिए उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य शुरू कर दिया। साकार हरि ने बताया कि 1990 के दशक में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उनके समागम या सत्संग में जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा आता है वो अपने पास नहीं रखते, भक्तों के लिए खर्च कर देते हैं। तो ये था साकार हरि यानी कि भोले बाबा का प्रोफाइल, जिसमें हमने उनके बारे में बहुत सी जानकारियां निकाली और आप तक पहुंचे। ऐसी तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।